हुआ, टीएमएच हुआ, या कोई भी अच्छा प्रकाशन देख करके किताब खरीदते हैं, पर आप जो स्थिति है लोग लेखक देख करके किताब खरीदेंगे। कहा कि ये किताब इतनी महत्वपूर्ण है कि आने वाले जो लोग हैं वो पढ़ेंगे, पढ़ना चाहेंगे, इसलिए इस किताब को हम लोग सुरक्षित करें, संरक्षित करें, दिमाग में भी, अपने दिल में भी, अपने घरों में भी, क्योंकि ये फिर दोबारा ये ऐतिहासिक पल कब आएगा मुझे नहीं मालूम। साहब अब कब पुस्तक लिखेंगे, आज से 30-35 साल पहले उन्होंने शिष्यानुभूति लिखी थी, उसके बाद ये किताब है उनके द्वारा लिखी हुई, तो इस किताब में जो वो चाहते हैं वैसा हम लोग करें। उन्होंने जो चाहा हम लोगों ने वो नहीं किया है, तब हमारी कोशिश रहेगी इस किताब में जो वो चाहते हैं, जो उनकी सोच है, जो उनका उद्देश्य है, उस पर हम आप सभी खड़े उतरें, सभी उसको लेकर के चलें। और इस किताब को जरूर पढ़िएगा, ये किसी गीता, किसी रामायण, किसी महाभारत से ऊपर है। आप सभी को मेरा स्वागत। इस महफिल में बस साहब की दरकार है और हम लोग किसी की दरकार नहीं है, साहब का आशीर्वाद रहेगा तो ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे और ऐसे ही महफिल सजती रहेगी। कोरोना का प्रोटोकॉल है तो हम लोग थोड़े से लोग हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि ये साहब का कार्यक्रम है। जी ये बात तो सही है, साहब का मतलब ही है गणा भरना, लोगों की अपार संख्या रहती है साहब जहां रहते हैं। दीदी ने बहुत कम समय में बहुत सारी बातें कही और जो हम लोगों को पता भी नहीं था कि हम लोगों को ऐसी किताब की जरूरत है, वो दीदी लवली ने हम लोगों को दिया, तो हम लोग चाहेंगे कि तहे दिल से हम लोग उनको धन्यवाद दें। अब आइए बुलाते हैं उनको, जिनका परिचय देने का जरूरत मुझे नहीं है, वो आपके बीच हमारे बीच अपना काम से ज्यादा हमारे आपके लिए खड़े रहते हैं। श्री अर्चित आनंद जी, जिनको प्यार से हम लोग अन्नु भैया बुलाते हैं, वो कार्यक्रम के आयोजक करता है, तो आयोजन करता जी को मैं चाहूंगा कि वो आए, उनका संबोधन हम लोग सुने। श्री अर्चित आनंद जी, स्वागत है। किससे कर रहे हैं भैया वाला, क्या चीज है? फेसबुक है, स्टार्ट हो गया ना, बता दीजिए भैया भी फेसबुक दो तीन से कैसे करेगा, एक उससे होगा कि पेज अच्छा ये भैया भी होगा, इसको कर दीजिए लगा दीजिए, जी हाँ लगाते हैं इसको उठाते हैं तुम लगाना। सबसे पहले अपने महागुरु महादेव ये पकड़िए, ये दीदी वाला पकड़िए, हम जी वाला लगा दीजिए, चरण प्रणाम है मेरा भैया, उनको उसको चालू करा लो। आज का यह कार्यक्रम कैसे मांगे उसे ले लेना, जो आयोजित है विमोचन का, साहब की जो पुस्तक है आओ चले शिव की ओर, इसका विमोचन है। इस अवसर पर आप सभी को यहाँ पे निमंत्रण साहब के द्वारा भेजा गया है और आप उपस्थित भी हुए हैं। पुस्तक का विमोचन करने के लिए साहब के सहपाठी, कॉलेज के दिनों के मित्र और झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री डी के सिंह साहब, सिन्हा साहब, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना सिन्हा जी आज उपस्थित हैं हमारे आपके बीच। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के IIT के पूर्व डी डॉक्टर बी.एल. राय साहब जो भी हमारे आपके बीच हैं, इन लोगों ने इस पुस्तक के विमोचन में सम्मिलित होकर एक आयोजक के तौर पर हमारा सम्मान बढ़ाया है। और इस आयोजन में चुनिंदा लोगों को ही, खास लोगों को ही जो सक्रिय तौर पर क्षेत्रों में काम करते हैं, शिव के गुरु स्वरूप से लोगों को जोड़ने का, साहब की बताई हुई जो 3 विधा है उसको जन जन तक पहुंचाने का जो लोग विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं, गुरु बहने हैं, गुरु भाई हैं। ऐसा नहीं है कि इस हॉल में 100
85 लोग ही काम करते हैं, काम पूरे देश में और भी लोग करते हैं, लेकिन सबको पुराना संभव भी नहीं था। और सरकार से जो हमें आदेश प्राप्त है, निर्देश प्राप्त है COVID-19 के प्रोटोकॉल के तहत, उससे ज्यादा लोग हम लोग बुला नहीं सकते। बुलाने को तो लोग बुला रहे हैं, लेकिन साहब के बारे में आप लोगों को ज्ञात है कि वो खुद एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और सरकार के नियमों को दूसरों को पालन करवाते हैं, तो खुद भी उनका ये उद्देश्य और ध्येय हमेशा रहता है कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को हम लोग न तोड़े, उसका पालन करें। और ये ठीक भी है, उचित भी है, सही भी है, हमारे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बात है। COVID-19 जो है पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैला है, उससे थोड़ा बचना जरूरी है आपको भी और हम लोगों को भी। आपकी और साहब की तो उम्र भी 72 साल के आसपास हो गई है, तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा ही सतर्क रहना पड़ता है। मुझे कुछ पुस्तक के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, साहब ने जो लिख दिया है उसके बारे में बहुत कुछ हम लोग बता भी नहीं पाएंगे, चाहते कि वो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं उसको तब तक उसका आपको समझ में नहीं आएगा। इस पुस्तक में कोई कितना भी बोल दे, वो साहब की जो लिखित है, जो उन्होंने लिखा है खुद से, उसको आप खुद पढ़ेंगे और समझेंगे, तभी उसको पुस्तक का उद्देश्य भी सफल होगा, आनंद भी आएगा आपको। फिर भी कुछ साहब ने जो लाइने एक चैप्टर वाइज है, तो एक चैप्टर की कुछ लाइने हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा उम्मीद है। आओ चले शिव की ओर में एक चैप्टर है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। इसकी शुरुआत एक शायरी से है, बागीचे अल्फाल है दुनिया मेरे आगे, बागीचे अल्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। साहब इसके आगे लिखते हैं पुस्तक में, कहते हैं कि मिर्जा गालिब साहब की यह पंक्तियां 72 वर्षों की जो अकथ्य कथा है, साहब ने जो अपने बारे में बताया है इसमें कि जो 72 साल से उम्र है इनकी, उसका ये समझ लीजिए एक सार है। मेरे लिए यह दुनिया बच्चों के खेल के मैदान जैसी है, मेरे लिए दुनिया बच्चों के खेल के मैदान जैसी है, यहाँ दिन रात खेल चलता रहता है और मैं शिव के बड़ा प्रबलतम चुंबकीय आकर्षण में छोटे लौह टुकड़े की भांति उनकी ओर सरकता जा रहा हूँ। समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं साहब, मेरे लिए दुनिया बच्चों के खेल के मैदान जैसी है, बच्चों के खेल के मैदान जैसी है, यहाँ दिन रात खेल चलता रहता है और मैं शिव के बला प्रबलतम चुंबकीय आकर्षण में छोटे लौह टुकड़ों की भांति उनकी ओर सरकता जा रहा। रास्ते के कंटक पता नहीं कब से पांव में चुभते रहे हैं, पर वह छोटा सा लोहा क्या करे, उसका क्या दोष। ऐसे में किसी यदि प्रश्न होंगे तो चुंबकीय उत्तरगामी होगा तो मेरे गुरु शिव। इसका विश्लेषण साहब आए थे आपके बीच तो कुछ पंक्तियों का करेंगे, आपको कुछ समझ में आएगा। थोड़ा गला मेरा खराब है। इसके बाद साहब लिखते हैं कि जिस तरह बच्चों में पुराने सिक्के जमा करने या टिकट इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है, छोटे छोटे बच्चे कॉइन सब लोग छोटे थे तो अलग अलग तरह के सिक्के, अलग देशों के सिक्के इकट्ठा करते थे, या डाक टिकट जो पोस्टल स्टैंप होते हैं उसको इकट्ठा करते थे। उसी तरह साहब को भी बचपन से रहस्यों के प्रति एक जिज्ञासा रहती थी, उसको जानने का एक शौक रहता था बाल्यकाल से ही।
तो बचपन में कई बार महादेव की तस्वीर लगा के उसके ऊपर से साइफन से पानी गिराना या बच्चों को बैठा के कहना कि देखो मैं तत्व से मंत्र से सोने के जहाज मंगवा लूंगा, इस तरह की अनेकों कहानियां हैं साहब की जो साहब ने लेखनी के माध्यम से इस पुस्तक में कही हैं हम लोगों को। आप जब आगे बढ़ेंगे इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो कई चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। लेकिन ये कहते हैं कि आगे चल के साहब कहते हैं कि बचपन की ये नासमझियां अकार को खेल के माध्यम से की गई, खेल के दौरान की गई, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, बाल्यावस्था से आप जैसे जैसे ऊपर उठते हैं तो और इच्छाएं इस आदमी प्रबल हो गई कि इन चीजों के बारे में और आगे जाना जाए और आगे पढ़ा जाए या समझा जाए ये चीजें होती कैसे है। तांत्रिक, अघोरी, सन्यासी, शारीरिक गुरु, कई एक ऐसे लोगों के संपर्क में साहब आए, उनके पास गए, इन चीजों को जानने की इच्छा में कि ये चीजें होती कैसे, इसको कैसे जाना जा सकता है। इस रहस्य के पीछे उन्होंने काफी समय अपना दिया लोगों से जुड़ करके। उसके बाद साहब लिखते हैं कि एक तरह से समझिए कि इन चीजों से बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ साहब को, जो इनको खोज थी, जो इनको तलाश थी जिस चीज की, वहां तक ये पहुंच नहीं पाया। फिर कहते हैं कि नहीं, मैंने इसके बाद भी हार नहीं मानी कि इन चीजों पे जो तलाश थी पूरी नहीं हो पा रही थी। तंत्र है, मंत्र है, जो भी रहस्यमय दुनिया है, जिज्ञासा है कैसे होता है, तंत्र क्या है, साधना क्या है, मंत्र क्या है, इन चीजों पर साहब की जो जिज्ञासा है बढ़ती गई लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने इसकी पुस्तक में लिखा है आगे कि मैंने हार नहीं मानी और फाइनली भगवान शिव महादेव की परिधि में उनका मन घूमता रहा। फिर गुरु ने किया कमाल, आगे कहते हैं कि गुरु ने किया कमाल मेरी ही शर्तों के, मतलब साहब की जो शर्त थी ये सीखने के लिए या जानने के लिए कि उन्होंने अपना बनाया हुआ था क्राइटेरिया, ये मेरी शर्त है, इस शर्त पे अगर कोई चीजें आएंगी तो हम उसको मानेंगे अन्यथा नहीं मानेंगे। तो उनकी शर्त पर ही के अनुरूप आगे कहते हैं कि मेरी शर्त के अनुरूप अर्थात गुरु न आसमान से उतरे न मानव शरीर में आए बल्कि एक अलौकिक माध्यम, कोई आदमी नहीं आया इनको कहने को है ना, और कोई ऐसा भी नहीं था कि ऊपर से आसमान से आया और उसने इनको समझाया। एक अलौकिक माध्यम, माध्यम क्या है साहब ने कई बार चर्चाओं में भी कहा है, इस पुस्तक में भी आपको मिलेगा, अलौकिक माध्यम से उनको जो सावित मंत्र मिला, नमः शिवाय जो मंत्र मिला उसकी चर्चा साहब इस पुस्तक में करते हैं कि वो कैसे मिला, उसकी क्या घटनाएं हुई इस दौरान साहब के साथ, उसका थोड़ा विस्तार पूर्वक है पुस्तक के जब आगे बढ़ेंगे आपको। फिर आगे साहब लिखते हैं कि किताबें तो कह रही है कि शिव गुरु हैं किंतु शिव की शिष्यता का जनमानस में प्रसार की हुई, इतनी बड़ी दुनिया में दुनिया सृष्टि ही बनाई हुई उनकी है, शिव से ही शुरू होता है सब कुछ, भगवान महादेव से ही शुरू होता है, फिर उनके गुरु स्वरूप का प्रसार जनमानस में क्यों नहीं हुआ, इसलिए लोगों ने उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया बतौर गुरु। फिर आगे इसमें साहब लिखते हैं कि स्पष्ट है कि जनमानस को इससे जोड़ने के लिए एक एक व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा। साहब कहते हैं कि इसमें प्रचार माध्यमों से जो और भी माध्यम है उससे अलग, उससे इतर थोड़ा सा हर इंसान को ये बताना पड़ेगा कि आप शिव के शिष्य हो सकते हैं, आप महादेव जो है पूरी दुनिया में है तो गुरु स्वरूप उनका स्थापित है,
तो हमको आपको केंद्र स्वरूप से जुड़ना चाहिए। इस पुस्तक में साथ में आगे कहा है तो साफ साफ ये लिखते हैं कि इतना सबके बाद भी कि शिव गुरु है किंतु जगत के जंजाल में उलझा हुआ व्यक्ति शिव की शिष्यता के वास्तविक अथवा यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाएगा। प्रजा तक ये साफ कह रहे हैं कि प्रचार तंत्र से लोगों को ये पता तो हो जाएगा कि शिव गुरु हैं, लेकिन वो कितना जुड़ पाएगा ये मुश्किल है। शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने के लिए साहब कहते हैं कि मैंने इतना विचार विमर्श किया, उसके बाद प्रचार माध्यमों को मार्ग छोड़कर एक एक व्यक्ति को शिष्यता के रूप में भगवान शिव से जोड़ने का प्रयास प्रारंभ किया। इसका उदाहरण आपके सामने है जो हम लोग क्षेत्रों में फटाफट से चर्चा करते हैं, वन टू वन एक आदमी हर एक आदमी से बात करता है, वहां ना स्टेज होता है ना माइक होता है ना कोई अभी फेसबुक लाइव आप देख रहे हैं ना कोई इस तरह होता है, एक साथ लोग निकलते हैं, हर एक आदमी से हर एक आदमी मिलता है, उसको फिर अपने गुरु की बात बताता है, शिव की बात बताता है। तो सार इस पुस्तक में ये कहते हैं ये सबसे इफेक्टिव है कि मैन टू मैन हर एक आदमी जाए और एक आदमी से कहे कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, आप तो करके देखिए, सार ने जो 3 सूत्र बताए हैं उसका पालन करके देखिए। ये तो हुई एक चैप्टर में जो सार में लिखी है ये बातें, उसके कुछ टुकड़े थे, कुछ अंश थे इसमें, पूरी पुस्तक आपके पास आज मिलेगी, उपलब्ध होगी आपको पढ़ने के लिए, आप पढ़ेंगे फिर समझ पाएंगे कि क्या हो सकता है इसमें। रूटीन बनी है, सबका समय बना है, हमारे मुख्य अतिथि बैठे हैं यहाँ, आयोजक होने के नाते मेरी अच्छी जिम्मेवारी होती है कि हमारे मुख्य अतिथि जस्टिस श्री बी के सिन्हा साहब, श्रीमती अर्चना सिन्हा जी और हम आयोजन के जिनकी वजह से आयोजन किया गया है, जिन्होंने यह पुस्तक नीचे लिखा है लिखे विरचित की है, साहब श्री हरिनाडू जी, तो डॉक्टर बी एन राय साहब और तमाम ये आखिर पब्लिकेशन श्रीमती अनुमिता आनंद जी जिन्होंने इस पुस्तक को हम तक आप तक बुक फॉर्म में पहुंचाने का काम किया है, डॉक्टर अमित जी सहित और भी लोग जो साहब के पास सानिध्य में रहते हैं, हरखा सिन्हा जी जो वैश्विक सुचित हैंडल फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर रामेश्वर मंडल जी अध्यक्ष श्री शिष्य परिवार, इन सबों से मेरा अनुरोध होगा कि अनुक्रमणिता के अनुसार विमोचन का समय हो गया है तो अनुरोध करेंगे कि विमोचन के लिए आया जाए। उद्घोषक महोदय आपने सबको धन्यवाद प्रणाम मेरे लिए। आइए जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं पुस्तक का विमोचन के लिए आओ चले शिव की ओर। समय हो गया और अन्न भैया ने कह ही दिया है कि आमंत्रित करते हैं हम लोग साहब श्री को, हमारे आज के मुख्य अतिथि जी को, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना सिन्हा जी को, लवली दीदी जो इस पुस्तक की लेखिका हैं, अर्चितानंद नंदु भैया, बरखा दीदी, मोनू भैया, निहारिका दीदी, डॉक्टर अमित, आज का ये क्षण ये पल साल 2021 पहला कार्यक्रम साहब का और आप सबों की उपस्थिति और आप सबों की उपस्थिति में आओ चले शिव की ओर पुस्तिका का विमोचन किया जा रहा है, आप सभी साक्षी हैं इसके।
रिकॉर्डिंग के साथ साथ तालियां भी बजाते हैं। बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद ये पुस्तिका आप लोगों के बीच आ पाई है। बहुत ही पुण्य है ये पल, इस पल में हम और आप यहाँ उपस्थित हैं। किताब को पीछे से भी पढ़ने के लिए बोला हमारे पुण्य दीदी ने, कि पीछे में साहब का तस्वीर है लेखक का, किताब को एक बार पलटेंगे, रवि जी बुक को पलटेंगे एक बार, बोलो भैया साहब की तस्वीर है किताब के पीछे में। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, तहे दिल से सबको धन्यवाद। चलिए, काफी दिनों से क्षेत्र में आप बोल रहे थे कि किताब कब मिलेगा कब मिलेगा, कल से ही लोगों के फोन आने शुरू हो गए और आज से आप लोगों के पास किताब दे पाएंगे, खुद पढ़ पाएंगे, ये हमारा आपका सौभाग्य है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बारी है आज के हमारे मुख्य अतिथि की। श्री डीके सिन्हा, भूतपूर्व न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय के कर कमलों के द्वारा, ये हमारे झारखंड के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं झारखंड सरकार में। तो आओ चलिए, शिफ्टी और पुस्तक का विमोचन एवं संबोधन मैं चाहूंगा कि श्री डीके सिन्हा जी, जो हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, उनसे सुने हम लोग। आए हमारे श्री आज के मुख्य अतिथि श्री डीके सिन्हा जी, झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। किसी भी यात्रा के लिए पाथेय की जरूरत होती है, उसकी तैयारी होती है। लंबी यात्रा है तो उसके हिसाब से सारा साधन सामान इकट्ठा करना पड़ता है। तो वर्ण्य शिष्य हरिदानंद जी द्वारा ने आपके लिए पाथेय दिया है, कैसे वो पाथेय आप जो रास्ते में इसको इस्तेमाल करते हुए शिवत्व को प्राप्त करेंगे। जैसे पहला उनका पाथेय के रूप में है एक अपने आचरण द्वारा, व्यवहार द्वारा, प्रार्थना द्वारा, शिव से दया भाव से इच्छा प्रकट करना कि आप हम पर कृपा करें कि हमारी रास्ता हमारा रास्ता जो है भले भांति कर सके, आप एक तक आप तक हम पहुंच सके। दूसरा है कि भाई आप उनका हमेशा स्मरण करते हैं, शिव का स्मरण करते रहें। और तीसरा रास्ता उन्होंने बताया पाते के रूप में उनकी चर्चा करते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा अपना विचार है ये तीन पाथे लेकर के ही आप इस यात्रा में अग्रसर हो सकते हैं, इस आध्यात्मिक यात्रा में अग्रसर हो सकते हैं। आप बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं और मुख्य वक्ता हमारे हरिंदानंद जी को सुनने के लिए बैठे होंगे, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपना विचार ये सुनूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा कि बहुत समय नहीं लेते, जब आप हमारे मुख्य अतिथि हैं तो सारा समय आपका, आपका आना हमारे इस घर को रोशन कर गया, इस महफिल को रोशन कर गया। जज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जो बातें उन्होंने बताया हमारे आपके साहब के लिए, वरेण्य गुरु भ्राता के लिए, वो सब हम अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बिठाए हुए हैं और बिठाए रखेंगे। आइए, अब समय हो चला है उनको आमंत्रित करने का, जिनके लिए विषय दिया गया है पुस्तक के दो शब्द का वाचन। परिचय बताऊं उनका आपको, जैसा मैं देखता हूं सुबह से लेकर के शाम तक कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे तो वो घर का अपना हो, ऑफिस के लिए हो, क्षेत्रों में सुदूर कोई फोन करके किसी भी तरह का बात पूछे, हर बात को बहुत ही सरलता से, गंभीरता से लेती हैं। अपने घर परिवार को देखते हुए शिव शिष्य परिवार को भी वो बहुत ही कुशलता से संभालती हैं, चलाती हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती बरखा जी को, जो अध्यक्ष हैं शिव शिष्य हरिद्रानंद फाउंडेशन की, वो आए और संबोधन करें इस बात का। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस हॉल में उपस्थित और इस हॉल से बाहर उपस्थित और उसके अलावा वैसे सभी गुरु भाई गुरु बहन जो इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। जैसा आपने सुना कि इस कोरोना काल में बहुत लोगों के लिए विपत्तियां आई और बहुत लोगों के लिए अवसर भी आया। आपको रास्ते दोनों मिलते हैं, कौन किस रास्ते पे चलना चाहता है ये उसको खुद तय करना होता है। इस कोरोना काल में साहब श्री हरिनंदन जी को जो वक्त मिला उसमें उन्होंने अपने जीवन यात्रा को, अपनी शिव शिष्यता की यात्रा को, उस शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, उसकी व्याप्ति और उसके प्रयोजन को शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया है। हालांकि शब्द भाव को पूरी तरह व्यक्त कर नहीं पाते, लेकिन उन्होंने जितना ज्यादा व्यक्त किया है उतना हमारे अपनी ध्वनि में समा नहीं पाएगा। इसके लिए हम सब उनके कृतज्ञ हैं और इसके सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है उनको अर्पण करने के लिए जिन्होंने हमें शिव का शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया करवाया। इस पुस्तक के प्रारंभ में उन्होंने दो शब्द लिखे हैं, वैसे सभी लोगों के लिए जिनके भी हाथों में ये पुस्तक जाएगी। हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, संपत्ति, वैभव, घर, मकान, गाड़ी, जमीन, जायदाद, क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये सब चीजें होंगी तो हम रहे ना रहे मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। हम एक चीज भूल जाते हैं कि अगर उसके आत्मबल को हम इतना बढ़ा दें तो शायद इस जमीन जायदाद को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो पुत्र सपूत हो जाएगा उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये शिव शिष्यता हमारे आपके जैसे लाखों करोड़ लोगों के मन को बहुत बड़ा संबल देता आया है और देता रहेगा। हम रहें ना रहें, हम सब रहें ना रहें, लेकिन हमारा आने वाला भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ियां, इससे बड़ी सौगात, इससे बड़ी जमीन जायदाद हम उनके लिए नहीं छोड़ सकते कि वो अपने जीवन जीने की कला को सीख पाए। और उसमें ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। तो हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक को हम अपने घर में धरोहर के रूप में छोड़कर जाएं, प्रत्येक घर में छोड़ के जाएं, अपने बच्चों के हाथों में छोड़ के जाएं। इसमें दो शब्द जो साहब हरिनंदन जी ने कहा है,
उनके तरफ से जो लिखा गया है मैं पढ़ रही हूं अभी। मैं हरिंद्रानंद बस चल रहा हूं, 72 वर्षों से चल ही रहा हूं, अपने पांव में अनेकानेक जंजीरों के बावजूद। यहां सबको चलना ही पड़ता है, जिस धरती पर बैठा हूं वह भी तो चलायमान है। वैसे अब थक सा गया हूं, जीवन का अंतिम पड़ाव है, अब पांव साथ नहीं दे रहे। कभी घुटनों के बल तो कभी पांव के सहारे चलता जा रहा हूं। अनायास विचारों की पोटली लिए मन भी चल रहा है, कभी जगत की विधियों में घूमता है, विधि कहा जाता है गलियों को, कभी जगत की विधियों में घूमता है तो कभी शिव के राजमार्ग में। व्यक्ति जगत में पैदा होता है, पलता बढ़ता है, अध्यात्म भी तो यही उत्पन्न होता है मन के एक मोड़ से। पता नहीं उस मोड़ पर मैं कब मुड़ गया था, प्रत्यक्षतः बाल्यकाल से ही पूजा पाठ की पगडंडियों में भटकता रहा, मंजिल का पता नहीं था, बस निरुद्देश से भटकता रहा। 12 वर्ष की उम्र में शमशान और अघोर तंत्र की क्रियाओं से पाला पड़ा, एक लगन थी एक तरफ थी, उस रहस्यमय दुनिया को जानने की जो दृश्य नहीं है, जिसका अनुभव भी अपनी ज्ञानेंद्रियों से नहीं हो पाता है। अनजाने कारणों से बाल्यकाल से ही अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को देखकर उन घटनाओं के अज्ञात सूत्रधार को, यानी कि वो जो दिखता नहीं है लेकिन उसके हाथों में ही सारी चीजें होती हैं, उस अज्ञात सूत्रधार को जानने की प्रबल उत्सुकता कालक्रम में पाथे बन गई। शिव की तस्वीरों पर साइफन की मदद से पानी गिराता मेरा बचपन, विश्व के अनेकानेक दर्शन वादों व सिद्धांतों की कलई चढ़ता वयस्क हुआ, बड़ा हुआ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि और मान्यताओं ने सदैव मुझे पुस्तकों के करीब रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने कम उम्र में ही धर्मशास्त्रों और दर्शन से संबंधित पुस्तकों को पढ़ डाला। वैसे मेरे जीवन पर पुस्तकों का जितना प्रभाव पड़ा उससे कहीं अधिक प्रभाव रहस्यों की तलाश और उनकी ओर अनजाने आकर्षण ने डाला। तंत्र मंत्र और शमशान के प्रति रुझान ने मुझे तांत्रिकों औघरों और शरीरी गुरुओं के साथ लाकड़ा कर दिया अपनी सीमा में उपलब्ध घुमक्कर साधुओं ढोंगी तांत्रिकों के महाजाल में उलझता गया। कुछ अच्छे गुरु भी मिले किंतु चाहत थी कुछ जानने की, अप्रत्याशित को समझने की, लेकिन 12 वर्षों तक हुआ वही ढाक के तीन बात। 12 वर्ष का समय एक बच्चे के लिए वैसा होता है जिसमें वो छोटे से बड़ा हो जाता है, उसकी दुनिया बदल जाती है, और इतने लंबे अंतराल में साहब ने वैसे महाजाल में वो उलझते गए जिसमें कुछ गुरु अच्छे मिले भी लेकिन प्यास तब भी बुझी नहीं। और आगे वो लिखते हैं कि मरुस्थल में विशाल माल बालुका राशि के मध्य एक साधवर भूमि की खोज। मरुस्थल कहते हैं वैसे स्थान को जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत सिर्फ बालू रहता है, पानी की एक बूंद भी नहीं होती, अगर उसमें कहीं कोई फंस जाए तो वो प्यास से ही मर जाए, गर्मी से ही मर जाए। लेकिन उस विशाल बालुका राशि के मध्य, उस विशाल रेगिस्तान के मध्य कहीं कहीं जमीन का वैसा टुकड़ा होता है जो हरा भरा होता है और उसमें पानी भी होता है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात होती है कि शिव की बनाई दुनिया समझ में नहीं आती कि कहाँ वो रेगिस्तान बनाते हैं कहाँ सात्वन भूमि। तो साहब ने लिखा है कि मरुस्थल में विशाल बालुका राशि के मध्य एक सात्वन भूमि की खोज, यही थी मेरी मृग तृष्णा। इसी खोज में एक युग बीत चुका था और उम्र के 2 युगों का अवसान। शमशान और तथाकथित साधुओं से विरक्ति तो हो चुकी थी, बस एक आदत सी थी मध्य रात्रि में शमशान के घने अंधेरे में थोड़ी देर के लिए बैठना।
एक दिन मध्य रात्रि को बिहार राज्य के एक शमशान में भयानक डरावनी अंधेरी रात को एक विचार मेरे प्रताड़ित मन में प्रवेश करता है। गुरु अगर ईश्वर है, साक्षात परब्रह्म है, तो ईश्वर गुरु क्यों है? सुन रखा था भगवान ईश्वर को कहते हैं, भगवान शिव को ईश्वर कहते हैं। मेरे दुखी मन ने व्यवस्था में इसी तर्क के आधार पर भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया। अध्यात्म के तथा कथित सूत्रधारों जिनके संसर्ग में मैं आया था, उनकी संगति ने विगत 12 वर्षों में मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी थी। अविश्वासी मन ने तर्क के आधार पर शिव को गुरु माना तो अवश्य, लेकिन कोई भरोसा नहीं था, बस एक निरुपाय व्यवस्था थी। कालांतर में मेरे गुरु शिव की दया से अब तक धारित आध्यात्मिक विचारों में परिवर्तन होने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं था, मतलब कुछ भी दिखता नहीं था, लेकिन हो रहा था। जैसे बच्चे की युवावस्था बस आ जाती है जहां कुछ भी सायास नहीं होता। जैसे कोई बच्चा कब बड़ा हो जाता है इसके लिए वो कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन अपने आप ही ये होता चला जाता है कि वो बचपन भी बीत जाता है और युवावस्था भी आ जाती है जहां कुछ भी सायास नहीं होता। घटनाओं का ऐसा क्रम चला कि भगवान शिव मुझे अच्छे लगने लगे। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो चुका था, मन संशय के बादलों से आच्छादित था, किंतु अक्सर प्रकाश की किरणों के साथ बिजली भी कौंध जाती थी। 5 वर्षों के अंतराल के उपरांत संशय समाप्त हो चुका था, मन यथार्थ में शिव को गुरु स्वीकार कर चुका था। मैं संपर्क में आए लोगों को नमः शिवाय करने को कहता तो था, पर शिव को गुरु मानने के लिए नहीं कहता। आया सन 1980 का दशक। शिव से बिना किसी प्रयास के प्राप्त लौकिक पारलौकिक उपलब्धियां मन में शिव के प्रति आवेश उत्पन्न करती जा रही थी। हालांकि बचपन से ही मेरी लौकिक चाहत छोटी ही रही है, आवेश भावावेश में बदल चुका था। मैंने सानिध्य में आए व्यक्तियों से स्वतः शिव को अपना गुरु बनाने का अनुरोध करना प्रारंभ किया। मैं समझ चुका था कि शिव को अपना गुरु बनाने की दिशा में मात्र मन ही साधन है। व्यक्ति के मन में शिव को अपना गुरु मानने का संकल्प यदि लंबे समय तक स्थिर रहता है तो किसी बाह्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन में इसी संकल्प को एक ठहराव देने के निमित्त प्रकारांतर में 3 सूत्र, जो आप जानते हैं, 3 सूत्र मेरे द्वारा निरूपित हुए। तीनों सूत्रों के आविर्भाव एवं एकीकरण में मेरे गुरु शिव की मात्र दया रहे, जिसे मैंने विगत 2-3 दशकों में अनुभूत किया। अब महागुरु महादेव की दया से शिव शिष्यता व्यापक हो चली है। घर बाहर दोनों तरफ से मेरे उठ रहे कदमों की चाल पर तीक्ष्ण बाण चलते रहे। जिस प्रकार व्यवस्था में मैंने शिव को अपना गुरु बनाया था, उसी प्रकार आज भी शिव से जुड़े रहने की व्यवस्था है। फर्क बस इतना ही है कि प्रारंभ में अविश्वास, अश्रद्धा और संशय से मन ग्रस्त था, और अब शिव के आकर्षण में मुझमें मानव चेतना के अभ्युदय की जित है। यानी मानव चेतना का अभ्युदय हो, उसमें परिमार्जन हो, वो शिव से जुड़े, आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर जाए। मुझमें मानव चेतना के अभ्युदय की जिद है, और इसके लिए मात्र एक ही विकल्प दिखता है, उस महागुरु शिव को अपना गुरु बनाना। नवंबर सन 2008 से बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्ति के उपरांत भी शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति में अत्यधिक व्यस्त रहा। अभी भी स्थिति वही है। अचानक COVID-19 की त्रासदी से राष्ट्र को मुक्त करने के निमित्त घोषित लॉकडाउन के आह्वान पर मैंने वर्तमान प्रवास में स्वतः अपने को कैद कर लिया। रांची में जहां साहब अभी रहते हैं, उन्होंने लॉकडाउन में जब पूरे भारत में आपातकाल की घोषणा बंद किया और पूरी तरह अपने आप को खुद ही कैद में कर लिया, जिसको हम कहते हैं क्वारंटाइन करना,
जीवन की वह हलचल समाप्त हो गई और प्रतिफल के रूप में यह पुस्तक आपके सामने है। ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन के साथ भगवान शिव एवं उनकी शिष्यता के विचारों को इस पुस्तक में समेटने का छोटा सा प्रयास किया गया है। इन आलेखों का लेखन सरकारी व्यस्तता और शुभ कार्य की अनवरत चेष्टा के कारण दुरुस्त था। लगभग 3 दशकों में लिखे जाने के कारण आंशिक समरूपता मिल सकती है, क्योंकि ये 3 दशक में लिखे गए हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी पहले भी इस किताब में कुछ पंक्तियां ऐसी हो जो साहब ने पहले कभी किसी कार्यशाला में, संगोष्ठी में या बातचीत में कही हो, लेकिन जब उसको एक जगह संकलित किया जाएगा तो हो सकता है आपको लगेगा कि ये बात उस समय सुनी थी मैंने, यानी समरूपता मिल सकती है। वैसे भी शिव तो कंकण में है, उनकी समरूपता सर्वसहज है। ठीक उसी तरह से उनका संदर्भ भी हर जगह समरूप होगा। पुस्तक में प्राप्त त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके सुझावों का सदैव आकांक्षी भी। लिखते हैं, जीवन में गुजरे लम्हों का संगीत मधुर है। जो जीवन उनका गुजरा है उसमें बहुत सारे ऐसे लम्हे आए, बहुत सारे ऐसे पल आए जो मधुर रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि हमेशा कष्ट ही रहा है, खुशी कभी आई ही नहीं। तो उन्होंने लिखा है कि जीवन में गुजरे लम्हों का संगीत मधुर है। शरीर अब अवश्य शिथिल हो रहा है, पर मन गुजरे वर्षों के प्रतिफल से उत्साहित है। मैं चला अकेला ही था, पर लोग आते गए, कारवां बनता गया। मेरी आदत नहीं है कि मैं तालाब के कीचड़ पर ध्यान दूं, वह आकर्षित भी नहीं करता। लुभावने तो कमल लगते हैं, शिव की शिष्यता की बगिया में फूल खिले हैं, किंतु जागतिक खड्यंग, आक्रांति, अपमान और अपशब्द के कांटों की चुभन का दर्द भी है। हम अक्सर किसी जगह से गुजरते हैं और अगर कमल के फूल खिले दिखते हैं तालाब में तो क्या होता है, हम सब उस तालाब को छोड़ के उस तालाब के किचन को नहीं देखते, उस तालाब में क्या बदसूरती है वो नहीं देखते। वो सुंदर जो कमल के फूल खिले हैं उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उनकी सुंदरता को देखते हैं। उसी संदर्भ में साहब ने अपनी यात्रा के क्रम में ये लिखा है कि मेरी आदत नहीं है कि मैं तालाब के कीचड़ पर ध्यान दूं, वह आकर्षित भी नहीं करता। लुभावने तो कमल लगते हैं, शिव की शिष्यता की बगिया में फूल खिले हैं, यानी ऊपर कमल के फूल खिले हैं, किंतु उसके नीचे जो जिसके अंदर से वो पैदा हुआ था उससे जो गुजरना पड़ा उसमें जागतिक कड़ियां, आक्रांति, अपमान और अपशब्द के कांटों की चुभन का दर्द भी है। शायद अस्तित्व एवं जीवन निर्वाह के विविध तुष्टिकरण एवं पलायन का मार्ग कभी कभी शेष रह जाता है। शायद अस्तित्व यानी खुद के अस्तित्व की रक्षा के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कि जीवन गुजर जाए, एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर अगर कोई चला है तो वो क्या करेगा, वो इन सारे कीचड़ों से गुजरता चला जाएगा, तुष्टिकरण का राह अपनाएगा, जिसमें आप अगर इससे खुश होते हैं तो चलिए आप इसी से खुश होइए, आप अगर इससे खुश होते हैं तो चलिए आप इसी से, आप भी अच्छे। ये अलग बात है कि उनकी तो बात ही नहीं होती वो कितने अच्छे। तो ये अस्तित्व और जीवन निर्वाह के लिए तुष्टिकरण एवं पलायन का मार्ग कभी कभी शेष रह जाता है। वैसे भी फूलों का राजा गुलाब को कांटों पर ही खिला होता है, पर उसके कांटे सदैव फूल के नीचे ही होते हैं। वो खिलता जरूर कांटों के ऊपर है, लेकिन कांटों को कोई देखता भी नहीं। वही कहते हैं साहब कि वैसे भी फूलों का राजा गुलाब को कांटों पर ही खिला होता है, पर उसके कांटे सदैव फूल के नीचे ही होते हैं। सभी उसके सौंदर्य और सौरभ का आनंद लेते हैं, कांटों को कोई देखता तक नहीं। खुशबू गुलाब के फूलों में होती है, कांटों में नहीं, वे तो चुभन पैदा करते हैं। शिव शिष्यता की बगिया में फूलों की सुरभि है। बहुत तेरे शिष्य से सन 1980 के दशक से ही बड़ी लगन और तन्मयता से शिव गुरु पथ के अनुगामी हैं। आप सुनिएगा साहब
वैसे सभी शिव शिष्यों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि बहुत देर है शिव शिष्य सन 1980 के दशक से ही बड़ी लगन और तन्मयता से शिव गुरु पथ के अनुगामी हैं। मैं अवनत हूँ, यानी मैं झुका हूँ, मैं अवनत हूँ घनेलों शिव शिष्यों के सामने जिन्होंने वर्षों से शिव गुरु और उनकी शिष्यता को व्यापक करने के निमित्त निरंतर सफल प्रयास किया है। साहब बोलते हैं कि मैं उन सभी शिव शिष्यों घनेलों यानी वैसे असंख्य शिव शिष्य होंगे जिन्होंने इस काम के लिए शिष्यता को व्यापक करने के लिए लगातार सफल प्रयास किया है, मैं उन सभी शिव शिष्यों के सामने झुका हूं। मैं अवगत हूं घनेलों शिव शिष्यों के सामने जिन्होंने वर्षों से शिव गुरु और उनकी शिष्यता को व्यापक करने के निमित्त निरंतर सफल प्रयास किया है। सचमुच वे महान और प्रणम्य हैं। शिव गुरु के पथ पर शिव शिष्यों के निरंतर योगदान ने मुझे सदैव उनका ऋणी बनाया है और मैं उनका ऋणी हूं। पुस्तक में प्रस्तुत आलेख बुद्धिजनित प्रतीत होंगे, परंतु शिव सत्ता को तो व्यक्ति के बोधी में जाना होगा। शिव का गुरु होना बोधात्मक है, भावात्मक नहीं। वह गुरु सत्ता बुद्धिजनित विचारों को बोधिजनित में रूपांतरित करती है। मस्तिष्क में उत्पन्न विचार भाव रूप लेकर हृदय का पक्ष बनते हैं। यही से प्रारंभ होता है समझ का सृजन, जिसे अध्यात्म में ज्ञान कहा जाता है। शिव स्वयं ज्ञान और विद्या के तीर्थ हैं। विद्या तीर्थम महेश्वरा। मैं नहीं जानता संसार की दिशा दशा शिव के बगैर कैसी होगी। मैं नहीं जानता संसार की दिशा दशा शिव के बगैर कैसी होगी, पर यह मुझे अनुभूत है कि शिव के साथ यह सृष्टि मानवता सबल होगी, सक्षम होगी, सुवासित होगी। अस्तु आओ चलें शिव की ओर। सभी को दीदी वर्षा को बहुत बहुत धन्यवाद। तबियत खराब रहता है क्या आप लोग जानते हैं, मौजूद इतनी देर खड़ा होकर के बोलना। आइए अब हम लोग आमंत्रित करते हैं उनको। एक भजन जरा बजा दीजिएगा। आओ चले सुशियो। गुड्डू सर प्लीज। जब तक कैमरा सही हो रहा तब तक आप लोग लड़ाई वगैरह ले लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट मिला है 2 मिनट का, क्योंकि अब जो कार्यक्रम चलेगा पूरा विश्व आपको देख रहा है। 5 मिनट रेस्ट ले सकते हैं आप लोग, जिनको टॉयलेट जाना हो थोड़ा बहुत। लेकिन साहब कल ही बोले 2 घंटा कार्यक्रम में क्या जाना है। आप पैर थोड़ा सजा कर लीजिए। ये सखुंड जी थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा भी, हम तो बोलने लगे थे पहले भैया, पहले बोले तो हमारा कहने का मतलब है कि ये जो गीत सुन रहे हैं आप आओ चले शिव की ओर, इसको गीत में पिरो करके गाए हैं हमारे आलोक भैया जो यहाँ उपस्थित है आज। तो हम सभी आलोक भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और जागरण भजन के लिए अजय भैया को। पहले लीजिएगा पूरा Thank you.
को और आलोक भैया साथ में गए हैं, कितना प्यारा भजन, कितना मधुर भजन सीमा राव की बहना और आलोक भैया के द्वारा आओ चले शीघ्र मुझसे मनुष्य जो होते हैं
मुझसे मनुष्य जो होते हैं गर्जन का भाव न ढूंढते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रत्न लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी, तहे दिल से प्रणाम और स्वागत। विषय लेखक का संबोधन। आज ये लाइव हो रहा है, वसंत पंचमी है, कैसा हटिए ना आज के दिन विद्या की देवी माँ शारदा की आराधना होती है। विद्या की देवी कहा जाता है कि आज का दिन है जो अज्ञानता पर ज्ञान के विजय का प्रारंभ है। हम लोग पहले स्कूलों में पढ़ते थे तो दीवारों पर लिखा रहता था, स्कूल की दीवारों पर, या विद्या सा विद्या या विमुक्त है। पता नहीं अब नौकरी के बाद तो स्कूलों की ओर जाने का मन मुझको मौका नहीं मिला। सा विद्या या विमुक्त है, यानी विद्या जब मिलेगी आपको तो मुक्ति का मार्ग भी खुलेगा, वो जीवन मुक्ति का। जीवन मुक्ति की कोई भाषा समझते हैं आप लोग? जीवन में मुक्ति, मृत्यु नहीं। जीवन में मृत्यु का अर्थ होता है जीवन में मुक्ति, यानी भोग रहते भोग की इच्छा का नहीं होना। जीवन मुक्ति का अर्थ मरना नहीं होता, जीवन मुक्ति का अर्थ होता है भोग रहते भोग की इच्छा का नहीं होना। तो आज का दिन जीवन मुक्ति के पथ में अज्ञानता के ऊपर ज्ञान के विजय का दिन है। और यह पुस्तक औचरण शिव की ओर, मैं कई वर्षों से सोच रहा था कि बचपन से लेकर अब तक जो मैंने शिव की दुनिया में और लोगों की दुनिया में अनुभूत किया है उसे लिपिबद्ध करूं, उसे कागज कलम पे उतारूं। मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। एक सरकार की नौकरी हुई प्रशासनिक, दूसरी शिव गुरु के बात की व्यापकता, कृपया मोबाइल बंद करें। कुछ देर तो विद्या की ओर चले, मुक्ति की ओर चले। जीवन में तो हम लोग भटकते ही रहते हैं। मैंने देखा, मैं बैठा था, बहुत सारे लोग मोबाइल पर बात कर रहे थे, धीरे ही कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। जीवन ऐसा नहीं है। एक पुस्तक है जो आपने पढ़ी भी होगी, अनिमिल आखर, उसे मैंने लिखा है, दो शब्द मेरे हैं उसमें, मैंने लिखा है, इस दुनिया में रहो, इस दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के हो के मत रह जाओ। यानी दुनिया में रहिए आप,
लेकिन दुनिया के होकर मत रह जाइए। तो मैं सोचता था कि अपने अनुभव को उतारूं, धीरे 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 वक्त गुजरता गया, समय का अभाव था और मेरी चिंता भी पड़ रही थी कि अब तो जाने का वक्त आ रहा है, आबाद आबाद समय हो लो। बगला में है ना गीत कि मेरे जाने का समय हो रहा है। अचानक आई आपदा COVID-19 की, मैं जहां था वही कैद हो गया, आप भी जहां थे वहां कैद हो गए, पूरी दुनिया ही कैद हो गई। और महादेव की दया हुई, आपदा अवसर में बदल गई। आपदा का अवसर में बदलना इस मानी में है कि पुस्तक आपके सामने आ गई आज, आओ चलें शुरू की ओर। इस पंक्ति को अब दिमाग में सोचे, दो स्थिति बनेगी, एक तो जबान की बोलेगी और चले शिव की, और जैसा हमें बोलते हैं हमें शिव शिव हमारे गुरु है, ये अंतर्मन नहीं समझ रहा, वायमन समझ रहा है, यानी बोली समझ रही है, शिव मेरे गुरु। अंतर्मन नहीं समझ रहा, ठीक उसी तरह से आओ चले शिव की ओर शब्द है, ये शब्दों के पीछे जो छिपा है उसको समझने की कोशिश करनी होगी, शब्दों में जो निहितार्थ है, जो उसका भावार्थ है, जो उसमें भाव छिपे हैं वो समझने की कोशिश करिएगा, तो बड़ी गहरी बात है, इतनी गहरी जिसका तल नहीं नापा जा सकता, अटल। आओ चले शिव की ओर। तो मैंने ये किताब शब्दों से नहीं लिखी है, मैंने लिखी भी नहीं है, लिखा दी गई है सच्चाई, नहीं आप नहीं मानेंगे मैं जानता हूं, बहुत काम आपसे करा दिए जाते हैं और आप नहीं करना चाहते हैं या चाहते हैं करा दिए जाते हैं। तो आओ चले शिव की ओर मैंने नहीं लिखा है, सच्चाई तो यही है, दिखने में मैं लगता हूं, नाम भी मेरा। आओ चले शिव की ओर इस पंक्ति को गहराई से सोचेंगे आप, तो आपको लगेगा एक आह्वान है, एक आध्यात्मिक आवाज है जो आपको हिला रही है कि शिव की ओर चलो, जगत में बहुत लिपापोती हो गई। और हमने उस किताब में लिखा है कि जगत को चलाइए और सही ढंग से चलाइए, लेकिन मन को शिव की ओर जाने दीजिए, मन शिव की ओर ही चले। इस किताब को ऐसे देख के मत समझिएगा कि आओ चले शिव की ओर रे लिखा गई, जी ना, ये मात्र शब्द नहीं है, एक आवाज है, कोई पुकार रहा है, एक आवाज है जो आपको आपके दिल को छू रही है कि आओ चले शिव की ओर। किताब को पढ़ेंगे आप चीजें और स्पष्ट होंगी, ऐसा मत समझिएगा कि हैनान ने इस किताब को लिखा है, हैनान तो केवल नाम है, मेरी कलम है, मेरे कागज है। मंडल सर बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि मैंने उस किताब में चेतावनी दी है, हिदायत दी है, ऐसा कुछ नहीं। और वो बूढ़े भी हो चले हैं, 85 साल की उम्र हो गई, उनको याद नहीं रहता। और बड़ा अच्छा सिद्धांत, जब किसी बात को नहीं करना हो तो कह दीजिए अब तो हमारी उम्र ही हो गई, भूल गए। ऐसा कुछ किताब में नहीं है। हाँ, मैंने आपसे अनुनय किया है, अनुनय शब्द का इस्तेमाल किया है, निहोरा भोजपुरी में जिसको समझते हैं
नहीं समझिए, वह किया है कि आप शिव के शिष्य हैं, मुंह से तो जरूर कहते हैं, बहुत लोग हैं भी थोड़ा बहुत, अब अपने कदम को ठीक रखिए, शिव के राजमार्ग पर रहिए, पगडंडियां तो हर राजमार्ग से जुड़ती और अलग होती है, पगडंडियों को चलेंगे तो आप लेबरिंथाइन रोड में चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, मैं गलत हुआ ऐसा, जंगलों में आप भटक जाएंगे तो बड़ी मुश्किल होती है, देखना पड़ता है कुत्ता कोई है कि नहीं, क्यों, कुत्ता है तो बस्ती है, कुत्ते आदमी के निकट रहते हैं तभी बस्ती आपको मिलेगी, और फोर लेन तो है तो वो तो तय नहीं कहां जाएगा, लिखा भी होता, तो हमने आपसे अनुनय किया है कि आप शिव के राजमार्ग पर आइए, अब तो समझ भी नहीं है, लेकिन आज वसंत पंचमी है इसलिए आज इसका विमोचन भी रखा गया, लोकार्पण भी रखा गया, ज्ञान की देवी की आज पूजा होती है, विद्या की देवी की, ज्ञान और विद्या के तीर्थ तो खुद ही महेश्वर है, खुद ही शिव है, विद्या की देवी की आज पूजा होती है, कहा जाता है कि आज के दिन अज्ञानता पर भी ज्ञान का कि विजय क्या कि युद्ध की शुरुआत होती है, आइए हम लोग इस युद्ध की शुरुआत करें, शिव की ओर चलें और अपने समाज अपने देश को ठीक रखते हुए शिव की ओर चलें, ऐसा नहीं है कि हम लोग साधु बन जाएं, समाज में रहें, समाज को भी एक दिशा दें, खुद भी उस दिशा पर चलेंगे तभी भी किसी को दिशा दे सकते, मुंह से कहने से तो नहीं होगी, चलिए आप सबको मेरा